ही आपको भी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हो गया है, तो कुछ बताना चाहेंगे सर कि कैसे देखते हैं आप इस इंडस्ट्री को, एंड बहुत सारी आपने हिट फिल्में दी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कच्चे धागे को लेकर, एंड आपको इंडस्ट्री में 25 साल कंप्लीट आपने भी कर कच्चे लिया है। धागे के साथ तो बहुत सारी पक्की यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जो इंसान की जो शुरुआत होती है वो हमेशा पहली जो आपकी जो जो पहला कदम लेते हैं वो सबसे स्पेशल होता है, सबसे मुश्किल भी होता है, और अगर वो कामयाब हो जाए तो काफ़ी रास्ते खुल जाते हैं। तो उस वक्त कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी फिल्म बनेगी या इतनी बेहतरीन फिल्म बनेगी, और अजय देवगन, सैफ अली खान, मनीषा कोइराला जैसे कलाकार मेरे साथ काम करेंगे, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ काम करने का मौका मिलेगा, टिप्स जैसी कंपनी मुझे मौका देगी, आनंद बख्शी साहब गाने लिखेंगे, तो बहुत आभारी हूँ मैं इन सब का। मुझे याद है एक दिन जब अजय ने कहा कि मैं तुम्हारी फिल्म करूँगा, और उस वक्त बहुत बिज़ी था वो, तो मैं वेट करता रहा कि मेरी डेट्स कब आएंगी, और एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैं उसकी सेट पे गया और वो किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहा था। मैंने कहा कि तुम 6 महीने से बोल रहे हो कि मेरी फिल्म शुरू करोगे, मेरी फिल्म शुरू करोगे, तो तुम करने वाले हो या नहीं करने वाले हो मुझे बता दो। क्लियर कर दो। हाँ, तो उसने कहा कि तुमने एक सवाल पूछा है, मैं एक सवाल पूछता हूँ, तुम दोस्त मानते हो या नहीं? तो मैंने कहा मानता हूँ। बोला फिर गाड़ी में बैठो और घर जाओ, तुम्हारी फिल्म 2 महीने में शुरू हो जाएगी। तो वहाँ से स्टार्ट लिया हमने, और दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी है, सैफ के साथ भी दोस्ती बहुत गहरी है, अभी भी बात करते हैं, कभी मुलाकात होती है तो ऐसा लगता है कि बस कल मिले थे और आज मिले हैं, जैसे कि कॉलेज के दोस्त मिलते हैं। और जहाँ तक ये सफ़र रहा है, ऐसा कहीं महसूस नहीं होता कि इतना वक्त निकल गया, क्योंकि हर बार नई किस्म के फिल्म बनाने की कोशिश की है, बहुत सारे लोगों का साथ मिला है, प्रोड्यूसर्स, बड़े बैनर्स, एक्टर्स, कंपोजर्स, टेक्नीशियंस, इन लोगों ने काफ़ी भरोसा किया है, क्योंकि डायरेक्टर वो इंसान है जिस पे सबका भरोसा होना ज़रूरी है, तो उनका ही ये भरोसा है, उनका साथ है। जब फिल्म बनती है तो पता नहीं चलता है टाइम का कहाँ निकल जाता है, और मैंने कभी अपने आप को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया है कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, या ऐसा कभी कुछ कोई गहरी सोच ऐसी आई नहीं है, बस ये है कि आज का काम कंप्लीट करना है, कंप्लीट बजट में, टाइम में, अच्छा रिजल्ट देना है, आज जाके किसी कंपोजर से एक अच्छा गाना निकालना है, किसी लिरिसिस्ट से अच्छा लिखवाना है, किसी डायलॉग राइटर से बेहतरीन सीन बनवाना है, तो वक्त का तो पता नहीं चला, बस ये है कि बहुत सारे 30-40 बड़े एक्टर्स आए हमारी लाइफ में, और बहुत सारे लोग, गुणी लोग आए जिनसे सीखने को मिला, और चाहे वो उम्र में छोटे हों, बड़े हों या हम उम्र हों, मैं हमेशा मानता हूँ कि आप अगर एक किसी इंसान के साथ अपना वक्त गुजारते हैं तो कुछ ना कुछ या तो सीखने को मिलता है या तो भूलने को, छोड़ने को मिलता है। तो यही कि मतलब जिनसे सीखने का मौका मिला उनसे सीखा, बाकियों को छोड़ के आगे बढ़ते गए, तो बस ज़्यादातर लोगों से सीख मिली है, प्यार मिला है, भरोसा मिला है, और एक एक सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो मुझे मिलता है वो ये है कि एक टाइमलेसनेस रही है मेरे काम में, एक ऐसा लगता है कि आज भी अगर कोई जैसे टैक्सी 9:11 देखते हैं लोग, या कोई भी डर्टी फिल्म डर्टी पिक्चर देखते हैं, तो फ़ोन हमेशा ये आता है कि सर लगता है कल ही रिलीज़ हुई है, लगता है कि आज की फिल्म है, तो वो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारी सोच है,
और थोड़ा सा हुनर है कि वो हम कर पाए हमारी टीम के साथ, तो दैट्स माय बिगेस्ट अचीवमेंट। एंड वो एज क्या थी मिलन जी, क्योंकि 25 साल ये कच्चे धागे को हो गया एंड उसी के आसपास आपको भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हो गया, तो ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि वो एज क्या थी जब आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे डायरेक्शन में आना है, डायरेक्शन बनना है। क्या फर्स्ट चॉइस ही थी आपकी लाइफ में? बहुत सारे लोग बनना कुछ और चाहते हैं जी, लेकिन बन कुछ और जाते हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हासिल कर लेते हैं, और कुछ तो लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं है कि वो क्या बनना चाहता क्या है, मैं बनना उनमें चाहिए? से एक हूँ। तो यहाँ वहाँ बस सोच विचार में कॉलेज के बाद घूम रहे थे। मेरे कज़न फिल्म मेकर थे, धर्मेश दर्शन, उनके साथ हम वीकेंड्स पे हम जाते थे उनके घर पे। उन्होंने एक फिल्म शुरू की लुटेरे, जिसमें सनी जी देओल साहब थे, नसीर साहब थे, और भी बहुत सारे कलाकार थे, तो उनको थोड़ा असिस्ट किया, अच्छा लगा। उसके बाद मेरे मदर के कज़न हैं महेश भट्ट साहब, उनको मैंने ज्वाइन किया, तो बहुत गुस्से वाले थे वो उस वक्त, बहुत डर लगता था उनसे, बहुत चिल्लाते थे लोगों पे। तो पहले दिन जब उनको मिलने गया चेंबूर आरके स्टूडियो में, वो शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुमने अपनी माँ से क्यों फ़ोन करवाया, तुमने खुद क्यों नहीं फ़ोन किया? तो मैंने कहा सॉरी सर, गलती हो गई। कैसे आए हो यहाँ? मैंने कहा घर में गाड़ी है, वो गाड़ी लेके आया हूँ। कल से तुम गाड़ी में नहीं आओगे, बस में आओगे या ट्रेन में आओगे। कल सुबह 9 बजे मैं शूटिंग कर रहा हूँ महबूब स्टूडियो में, गुमराह फिल्म की, 9 बजे मुझे वहाँ मिलना। मैं 8:30 बजे पहुँच गया, लैंडलाइन पे फ़ोन आया, ऑपरेटर ने फ़ोन उठाया कि महेश भट्ट का कोई असिस्टेंट है सेट पे? किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने यहाँ वहाँ देखा तो मैं ही खड़ा था, तो मैंने कहा सर मैं हूँ महेश भट्ट का नया असिस्टेंट। बोले आइए भट्ट साहब, आपको फ़ोन पे बुला रहे हैं। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा तुम, बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने कहा सर अभी तक तो कोई पहुँचा नहीं है, मैं ही हूँ। अच्छा एक काम करो, 40 का लेंस लेना, लो एंगल शॉट है, मिड शॉट है, श्रीदेवी लेफ्ट पे है, अनुपम खेर राइट पे है, ये शॉट लगवा देना। उन्होंने फ़ोन, उनका हैबिट है वो बात ख़त्म करने से पहले फ़ोन कट कर देते हैं। अब मैंने सोचा कि मैं ये बोलूँ कैसे, सब मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे कि मैं डे वन पे जाके शॉट लगा रहा हूँ। तो बहुत सोचा, कैमरामैन साहब आए, सीनियर असिस्टेंट्स आए, तो मैंने जाके बोल ही दिया। मैंने कहा सर ये शॉट है, 40 का लेंस है, यहाँ पे कैमरा लो एंगल है, ये लेफ्ट में ये है, राइट में ये है। बोले कौन हो तुम भाई? मैंने कहा सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको, उनका फ़ोन आया था, कोई था नहीं, ये इंस्ट्रक्शन है। नहीं नहीं तुम हटो यार, तुमको क्या मालूम है? मैंने कहा सर शॉट तो लगाना पड़ेगा आपको, कि जब तक बॉस आएंगे तब तक। तो आए बॉस, वेरी गुड, अच्छा हाँ आए सेट पे, वेरी गुड, लेट्स टेक द शॉट। जब आए तो मैं बाहर खड़ा था, मैंने इनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उनको बाहर उतारा। मैंने कहा सर थोड़ा आई एम लिटिल स्केर्ड कि यार ये लोग मेरे अगेंस्ट नहीं हो जाए। बोले कुछ नहीं, तो चल देखते हैं क्या होता है। शॉट लगाया, शाम को जब गए तो मैंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, तो उन्होंने पूछा कि तुम रोज़ ऐसा ही करोगे? तो मैंने कहा क्या सर, दरवाज़ा खोलोगे, दरवाज़ा बंद करोगे और शॉट भी लगाओगे? मैंने कहा करूँगा सर। उसके बाद रोज़ उनका फ़ोन आता था सुबह, उसको बुलाओ ये शॉट है। तो 6 महीने में आई बिकेम चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर। तो व्हाट आई स्टार्टेड एज अ समर जॉब बिकेम माय लाइफ। बहुत मेहनत की, गाड़ी नहीं ले गया काम पे, ट्रेन में जाता था। और फिर उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बहुत कॉन्फिडेंस दिया, तुम शॉट लो, तुम सीन शूट करो, तुम एक्टर को ब्रीफ करो, तुम म्यूज़िक सीटिंग में आओ, तुम एडिटिंग में आओ, तुम यहाँ वहाँ आओ। तो वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि 5 साल में उनके साथ रहा, और बहुत वहीं अजय मिला, वहीं अजय के साथ दोस्ती बनी, वहीं फिल्म प्रोड्यूसर रमेश तौरानी साहब भी मिले, जो कि भट्ट साहब का म्यूज़िक रिलीज़ करते थे, काफ़ी फिल्मों का रिलीज़ किया उन्होंने। और बस उसके बाद जर्नी शुरू हो गई।
और कारवां चल चल पड़ा रहा, चल है पड़ा आज जी, तक, चलते रहा। चल रहा है चल जी छोड़। बिल्कुल, आपकी बातें सुनते सुनते मैं उसी वे में चले गया, सारे सवाल भूल गया कि क्या करना है, क्या अगला सवाल है। बहुत ही मतलब अमेजिंग था। और आपने एक नुसरत जी की बात जी की, क्योंकि आज कच्चे धागे की बात हो रही है, तो मैंने अजय देवगन जी को किसी शो में सुना था कि नुसरत एंड आनंद बख्शी जी जी कुछ गाने करते समय कुछ मनमुटाव हो गया था जी कि ये लाइन अच्छी नहीं है, फिर लिख के लाओ, फिर लाओ, फिर लाओ। तो दिन शायद मैंने सुन उन्होंने कहा था कि शायद वो उनका वेट ज़्यादा था तो वो आ नहीं सकते थे। जब वो गए तो आनंद बख्शी जी ने देखा कि अरे आप के साथ इतने सारे लोगों ने आपको उठा के लाया है, सॉरी मुझे पता नहीं था कि आपका इतना ज़्यादा वेट है। ये मैंने बात किस्सा कहीं अजय छोटा देवगन सा जी को। किस्सा है। हाँ, तो जब वो शायद जब ऐसे कुछ मनमुटाव हो जाती है तो एज अ डायरेक्टर कैसे आप आते हैं, मतलब म्यूजिशियन एंड डायरेक्टर एंड किसी के बीच में मनमुटाव। देखिए आर्टिस्ट भी कभी कभी कहता है कि मैं सेट पे नहीं आऊँगा, तो ये कैसे सब आपने हैंडल किया है? उस टाइम क्या चल रहा था आपके कि क्या करना है? देखिए उस वक्त थोड़ा सा ईगो क्लैश हो गया था। बख्शी साहब, नुसरत। हाँ नुसरत साहब, दोनों दिग्गज पहाड़ म्यूज़िक के। तो बख्शी साहब का ये मन था कि वो मेरे घर पे आए, और मैंने कहा बख्शी साहब आप चलिए होटल। तो बोले ठीक है मैं कल आता हूँ, परसों आता हूँ, बताता हूँ। मन नहीं था उनका, ही इज़ अ ग्रेट ऑफ इंडियन सिनेमा। खान साहब के पास गया, बोले मुलाकात नहीं हो रही है बेटा, वो गाना कैसे बनेगा। तो मैंने कहा हो जाएगा सर एक दो दिन में। बोले नहीं होगा, तुम गाड़ी निकालो। तो मैंने गाड़ी निकाली, गाड़ी में बैठे, बोले चलो उनके घर। घंटी बजाई, दरवाज़ा खोला, बख्शी साहब ने हैरान रह गए कि सामने नुसरत फतेह अली खान खड़ा है। बोला सर आप नहीं आते हो तो क्या हुआ, मैं आ गया। तो बख्शी साहब फेल्ट वेरी बैड कि मेरी एक छोटी सी जिद पे मैंने गलत किया। उसके बाद फिर उनकी दोस्ती हुई, और बहुत गहरी दोस्ती हुई, और बहुत मतलब फिर अगले दिन बख्शी साहब आए उनके पास, और वहाँ से फिर काम शुरू हो गया। तो उस वक्त मेरा काम शायद हमेशा यही रहता है कि मैं डायरेक्टर जो है वो सेट पे सबसे बड़ा आदमी भी है, और वो सेट पे सबसे छोटा आदमी भी है। सबको उस लेकर चलना हाँ है वो सबको सब। लेकर चलेगा, और जहाँ उसको देखेगा कि टेंशन है तो वो उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेगा। पेशेंस जो है डायरेक्टर का सबसे बड़ा हथियार है। पेशेंटली अगर आप कितना भी अगर आपका मूड ख़राब हो, अगर मैं आपको आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटा दूंगा तो अल्टीमेटली आप शांत हो ही जाएंगे। बस वही कोशिश रखता हूँ। एक चीज़ और आपने बताई कि एंड 25 साल हो गए, लेकिन आपने जो बताई वो आज तो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन क्योंकि मैं उस टाइम इंडस्ट्री में, आपने बताया कि आप अजय देवगन के साथ में आपके पास गए, उन्होंने बताया तो अपना दोस्त मानता है कि नहीं मानता है, 2 महीने के बाद ये शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो तब भी डेट का एंड टाइम का इतना इशू था देखिए उस वक्त 12-15 फिल्में करता था हीरो, अजय। दिन में 2 शिफ्ट करता था, कभी 3 शिफ्ट करता था, साथ में डबिंग करता था। जो बड़े हीरोज़ थे उस टाइम बहुत सारी शूटिंग होती थी। तो इट वाज नॉट इजी कि आप एक एक्टर की डायरी में घुसना अगर आप चाहें तो 3 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में आपको डेट मिलेगी। कभी कभी 5 फिल्मों के बाद आपका नंबर आता था, तो उसमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता था कि आप आइडिया लेके तैयार हैं लेकिन उसकी दूसरी फिल्में कंप्लीट नहीं हो रही हैं, और कंप्लीट होती हैं तो फिर डबिंग होती है, डबिंग होने के बाद प्रमोशन होता है, फिर दूसरी फिल्म शुरू होती है, फिर उसकी फिटिंग्स होती हैं। तो वो एक था उस वक्त कि अभी एक्टर एक टाइम पे 1 या 2 फिल्म करता है और एक दो बिल्कुल फिल्म पीछे लाइनअप में रहती है। उस टाइम पे 12, 15, 16, 18 फिल्में ऐसे करके लाइनअप होता था। टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए जाते जाते अब आपकी लास्ट फिल्म तड़प मैंने देखी जी एंड सीरीज सुल्तान, एंड हमने सुना है कि सुल्तान का अगला भी सीजन आ रहा है, तो थोड़ा सा कुछ अपडेट आपसे चाहूंगा कि फिल्म में क्या कुछ अब नेक्स्ट, क्या कुछ जी धमाल हाँ करेंगे नेक्स्ट आप, नेक्स्ट एंड सीरीज ये जो सुल्तान का जी 2 है उसके बारे में अगर आप कुछ सो बताएं। नेक्स्ट फिल्म जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन तैयार है। बहुत ही नया नया सब्जेक्ट है, वंस अगेन समथिंग वेरी फ्रेश, समथिंग आई हैव नॉट डन बिफोर। बहुत करंट टॉपिक है, बहुत एंटरटेनिंग सब्जेक्ट है, एंटरटेनिंग एंड इमोशनल। एक्शन भी बहुत है उसमें। हीरो हीरो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, अच्छा।
और अजय देवगन साहब होंगे, नहीं ये वाली उनके साथ नहीं है, अक्षय नहीं कुमार, अच्छा, नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, इमरान हाशमी, ऐसा कुछ नहीं नहीं। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन ये फिल्म शायद इस साल शुरू होगी। और जहाँ तक सीरीज़ का सवाल है, आई एम नॉट श्योर कि सीज़न 2 कब होगा, बिकॉज़ मैंने ये रियलाइज़ किया है कि सीरीज़ को लिखने में बहुत टाइम जाता है, क्योंकि आपको उतना सारा 9-10 एपिसोड का मसाला बनाना पड़ता है। तो शुरू नहीं किया है हमने, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस साल सीज़न 2 शुरू होगा, अर्लीस्ट अगर होगा तो अगले साल शुरू होगा। अच्छा, जो फिल्म की आपने बात की जी वो एक्शन एक्शन थ्रिलर है, एक्शन आई वुड से इट्स अ मसाला फिल्म, इट्स एन एंटरटेनर। तो कब तक आप कास्ट को फाइनलाइज कर लेंगे? मेरे ख्याल से बिल्कुल अगले 1-2 महीने में हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू सो थैंक यू मच हमसे बात करने के थैंक यू लिए, थैंक यू। गुड लक।